आज क्या बन रहा है अम्मा? आज बना रहे हैं छोला, जो भटूरा के साथ खाई जाती है वो छोला बना रहे हैं। तो आज हम थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो छोला बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 घंटा पहले चना के हम पानी में भिगो के रख दिए थे, वाइट चना है। और उसके बाद इसको हम चना के उबालेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे छोला। तो हम छोला बनाने के लिए 200 ग्राम चना है, तो हम 200 ग्राम प्याज लिए हैं और 200 ग्राम टमाटो लिए हैं और लहसुन, ये सब हम खड़ा खड़ा डालेंगे, कोई चीज़ का हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। और 8-10 लहसुन के कलियाँ लिए हैं, 5 हरा मिर्ची है। तो और जो मसाला बचे हुए हैं, जो मसाले वो हम बनाते हुए बताएंगे, क्योंकि एक एक करके बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो हम इधर कुकर चढ़ा दिए हैं, आज हम कुकर में बनाने वाले हैं। तो इसमें तेल भी ज़्यादा डालना है, कम से कम 100 ग्राम इसमें तेल डालिए तो अच्छा बनेगा। और ये हम खड़े मसाला ले लिए हैं, तो हम लाल मिर्ची के कट लगा लिए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, तेल गर्म हो गया है तो खड़ा मसाला डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, लहसुन, हरा मिर्ची हम लास्ट में डालेंगे। तो प्याज की हम अच्छे तरीके से मतलब ब्राउन होने तक पकने देंगे। प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला पानी में फूलने के लिए डाल देते हैं। तो 1 चम्मच इसमें डालेंगे सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। बस यही मसाला है और खड़ा मसाला डाल दिए हैं, ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डालेंगे। प्याज टमाटर की ग्रेवी मसाला बन जाएगा। और आज हम टमाटो, हमेशा मेरा वीडियो में देखते होंगे कि आप लोग कि हम टमाटो का पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन आज हम टमाटो ऐसे ही डालेंगे कट करके। तो टमाटो के कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। तब इसमें हम डाल देंगे मसाला, मसाला डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे टमाटो, गैस के मीडियम कर लेंगे, स्लो करके अच्छे से टमाटो और मसाला के पकने देंगे। हर 1 मिनट पर चलाते रहेंगे मसाला को। मसाला पक रहा है तब तक हम जीरा, काली मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। तो हम 1 इंच के अदरक के टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लिए हैं, ताकि आसानी से पिसा जाए, पेस्ट बन जाए। 1/2 चम्मच काली मिर्च है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मसाला अच्छे तरीके से पक गया है, देखिए तेल छोड़ दिया है मसाला। तो अब इसमें हम डाल देंगे चना, चना डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे।
और इसमें डालेंगे गरम पानी। गैस के कर लेते हैं और कुकर के नीचे उतार लेंगे और इसमें गर्म पानी डालेंगे। 5 हरा मिर्ची, 1 अदरक और जीरा काली मिर्च का पेस्ट, 6 मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुकर की करेंगे बंद और 6 से 7 सीटी आने तक इसको पकाएंगे पकाएंगे पकने देंगे। हीटर पर पका रहे हैं, गैस पर नहीं पकेंगे। हीटर पर ज़्यादा आसान होता है हमको पकाने में, इसलिए हम ज़्यादा हीटर पर ही चढ़ाते हैं। जब तक मेरा ये चना का सब्जी पक रहा है तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जुड़े हुए हैं मेरा चैनल पर वो लोग हम मेरा चैनल को लाइक करिए, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए, नहीं पसंद आए तभी लाइक करिए, 1 लाइक करिए कि हमको सपोर्ट मिले। 6 से 7 सीटी लग गया है हीटर की, अब हम कर देंगे ऑफ। हाँ बन गया, देखते हैं हम हीटर के कर लिए है बंद और देखते हैं कुकर खोल के। तो देखिए कितना सुंदर छोले का कलर आया है और मटन की तरह स्मेल भी आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और इसमें बहुत सारा बहुत कुछ के बचत होगा तो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले तो टाइम के बचत हुआ, उसके बाद ये जल्दी से बन गया और बनाने में आसान और खाने में टेस्टी। तो देखिए कितना अच्छा गल भी गया है और बहुत जल्दी बन भी गया। एक बार कढ़ाई में मतलब चना उबालिए तो कढ़ाई में डालिए, कढ़ाई में भूजिए मसाला, तो सबसे टेंशन फ्री होके फटाफट से बना लीजिए। मतलब डायरेक्ट बनाने में ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं करना पड़ता है, जल्दी बन जाता है। तब इसमें हम लास्ट में डालेंगे बहुत सारा धनिया पत्ता, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और गरम मसाला नहीं डाले थे पाउडर, तो छोटा चम्मच से 1 चम्मच इसमें डालेंगे अब गरम मसाला, और एक बार इसको और खौलाएंगे ताकि अच्छा से धनिया पत्ता के फ्लेवर आ जाए। तो इसमें हम कोई भी कलर वाला कोई भी चीज़ नहीं डाले हैं, कोई मसाला भी ज़्यादा नहीं डाले हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर छोले का कलर आया है। तो इसको हम ढक के एक बार और खौलाएंगे। तो अब हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। इसमें नहीं आएगा ना, भर गया। तो ये छोला बनाने का तरीका कैसा लगा मेरा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं भी पसंद आए तो 1 लाइक करके जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।